जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं देखिए लेके आई हूँ, ये चावल का आटा है तो इससे बनाऊंगी पीठा। ये देखिए, इसी कटोरी से एक कटोरी चावल लिया था, दो दो कटोरी में पानी डालूंगी इसमें कढ़ाई में। तो ये देखिए मैंने दो कटोरी पानी डाल दिया है। ये देखिए पानी में उबाल आ चुकी है। अब इसमें डालूंगी नमक। नमक को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें डालूंगी चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने चावल के आटे की एक डो तैयार हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, अब नीचे उतार लूँगी दूसरे बर्तन में। ये देखिए आटा थोड़ा सा हाथ में सहने लायक इतनी गर्म हो तो उससे अच्छी तरह से मसल के आटे की तरह डो बना लेंगे और फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए मैंने चावल के आटे को इस तरह से डो तैयार कर लिया है। अभी इस आगे दिखाते हैं। ये देखिए अब मेरे को एक चकला चाहिए था, तो चकले से मेरे को थाली में अच्छी लगती है, मतलब अच्छी होती है मुझसे, तो इसलिए मैंने थाली ले लिया है फ्लैट वाला। तो उसको पहले इस तरह से लगा लूँगी। अब आगे दिखाते हैं। ये देखिए मैंने तो आटा ये ले लिया है और इसमें से थोड़ी सी मैं लोई तोड़ूंगी, जितनी चाहिए उतनी ले लूंगी मैं, ये इतना सा, और ये रख दूंगी। अब इसको सूखे आटा, चावल के आटे भी चाहिए इसके लिए। ये देखिए हमने नूडल्स की तरह बना लिया है इस तरह से, और कुछ इस तरह से मुझे इतनी अच्छा। उसके लिए ये देखिए कुछ एक दो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो थोड़ा धीरे होगी मेरे से इसीलिए। अच्छा ये देखिए मुझे कुछ इस तरह से बनानी है, ये देखिए इस टाइप से बनानी है, फिर आगे दिखाते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है ये, अब आगे दिखाते हैं। आगे नारियल को जो गुड़ से भूनूंगी फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने नारियल ले लिया है। अब ये कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी गुड़। आप अपने हिसाब से मीठा डालिएगा, हमारे तो भोग के लिए तैयार कर रही हूँ माता रानी के, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए गुड़ थोड़ा सा गल चुकी है। अब इसमें मैं नारियल डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए हमने नारियल को गुड़ के साथ भून लिया है। ये देखिए गुड़ को अच्छे तरह से मिला कर नारियल को भून लिया है। ये देखिए चावल के आटे की डो बनाई थी ना वो, अब उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ऐसे लूँगी। इसके बाद इसको कटोरी शेप में कर लूँगी थोड़ा। थोड़ा सा नारियल और इसको ऐसे बंद करके फिर इसको इस तरह से बनाऊंगी। अब जितने हैं बाकी, एक तो बना लिया, अब आगे सारा इस तरह से बना लूंगी। देखिए एक को डिजाइन कर दे रही हूँ मैं कुछ इस तरह से।
ये देखिए, ये तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, जो पतली पतली ये बनाई है हमने थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये देखिए, ये छोटे छोटे अंडे की तरह, और ये पोली पीठा है। तो ये सभी एक साथ ही मैं बनाऊंगी। देखिए इसके अलग डिजाइन है, इसके अलग है, और इसके अलग है, और इसके भी अलग है। तो इसको पहले भाप से पका लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद मैं दूध गर्म करके दूध के अंदर छोड़ूंगी। ये देखिए हमने जाली लगा लिया है, नीचे पानी है तो पानी में उबाल आ चुकी है। अब इसके अंदर ये पीठा है जो मैं डाल दूंगी, तो एक एक करके यूँ डालती जाऊंगी। और इसको ऊपर से ये छोटे वाले ये भी डाल दूंगी और फिर इसे ढक दूंगी। ये देखिए हमने भाप में पका लिया है 5 मिनट, है ना। तो मैंने ये छोटा छोटा मैंने जो बनाए थे इसको भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब दूध के अंदर जाएगी ये सभी, तो अभी दिखाते हैं। ये देखिए हमने 1 किलो दूध ले लिया है। अभी इसके अंदर 2 तेज़पत्ता डाल दूंगी और अच्छी तरह से पका लूंगी दूध को चीनी के साथ। ये देखिए ये 3 इलायची है और ये चीनी, मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैंने ये चीनी डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखिए हमारे दूध अच्छी तरह से जब फुटा लिया है हमने कुछ इस तरह से, अब जो पीठा हमने बनाए थे भाप से पकाए भी थे, अब उसको इसके अंदर डालूंगी। एक ये देखिए ये दूध के अंदर डालेंगे। इस तरह से सभी पीठा इसमें डाल दूंगी। अब देखिए मैंने सारा पीठे को डाल दिया है इसके अंदर, अब इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी दूध के अंदर डाल के। ये देखिए थोड़ी सी पतली दिख रही है, तो इसको गाढ़ा बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। अब इसको पानी में घोल लूँगी मैं। ये देखिए चावल के आटे को मैंने पानी में घोल लिया है, अब इसको इसके अंदर डाल दूँगी तो ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारे पीठा पक चुकी है, इसीलिए ऊपर आ गई है। देखिए वो लाइट भी चली गई है इतने में। ये देखिए ये पक चुकी है पूरी तरह से, इसीलिए ये ऊपर की तरफ आ गई है। देखिए और जो मैंने उठा भी लिया है अच्छी तरह से दूध को, तो इसको अब बंद कर देते हैं गैस को। थोड़ी देर बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी ठंडा होने के बाद, जैसे चावल का आटा दिया है ना इसीलिए। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ थोड़ी देर बाद, फिर इसी से आज माता रानी के भोग लगाऊंगी। ये देखिए हमने जो पीठे बनाए थे ना अभी भोग के लिए, तो वो तैयार है। अब मैं भोग लगाने के लिए मंदिर में लेके आई हूँ। अब इसे एक एक करके मैं कटोरी में डालती जाऊंगी। निकालने के बाद फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने भोग रेडी कर लिया है माता रानी के लिए, 3 थाली एक साथ ही। और ये है चूसी पीठा, वही, और ये पुली पीठा, दूध पुली। तो ये देखिए तो दोनों एक साथ ही हमने बना दिया है, दूध में भिगो भी दिया है। माता रानी के भोग के दर्शन कर लीजिए। जय माँ।